हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज वीडियो शेयर करूंगी। मैंने छोटी सी और एक शॉपिंग की है जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूं कि मैं आप ही लोगों का ही वीडियो देख के मुझे भी मन करता है कि चलिए मैं भी इसको अपने गार्डन में ऐड करूं, ज़्यादा नहीं कम में। लेकिन जब आपकी वीडियो में देखती हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं भी लेके आती हूँ थोड़ा सा, तो अपने गार्डन में ऐड करूँ अपने जगह के हिसाब से। तो मैंने भी ये चार प्लांट्स खरीदा है और उसमें एक ये है अडेनियम। अडेनियम मैंने फर्स्ट टाइम ऐड किया है अपने गार्डन में और ये सिंगल पैटर्न है, पिंक करके मुझे दिया है। अभी फ्लावर्स इसमें बर्ड्स आई हैं लेकिन खिला नहीं है एक भी, जब खिलेगा तो पता चलेगा। लेकिन ये सिंगल पेटल है। तो एक ये है अडेनियम और ये तो नर्सरी से है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए। और अच्छा है, हेल्दी भी हैं, फ्लावर्स भी आ रही हैं। और ये दूसरा है मेरा अडेनियम जो मैंने ऑनलाइन बाय किया है, तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा है। लगभग मुझे 250-260 के आसपास मुझे पड़ा है ये। और ये मैंने पर्पल कलर 3 पेटल्स में देख के ख़रीदा है। लेकिन जब तक इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे तब तक हम इसको कह नहीं सकते कि ये सही में मुझे रियल में दिया है या नहीं दिया। फ्लावर्स आएगा जब भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी। और दो मैं जरबेरा का प्लांट लेके आई हूँ और ये हैं बड़े फूल वाला जरबेरा जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इसमें आया है। और दूसरा ये है स्मॉल, मतलब छोटी साइज का फ्लावर, छोटा है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, बस फ्लावर में थोड़ा सा डिफरेंस है और रेट भी उसी हिसाब से ही इसमें डिफरेंस। तो ये मुझे 100 रुपीज का एक पड़ा है। फ्लावर्स छोटे हैं लेकिन कोई नहीं, है तो बहुत ही खूबसूरत। और ये मुझे 120 रुपीस का दिया है जरबेरा। आपके यहाँ क्योंकि जगह जगह के हिसाब से रेट होता है, सभी जगह पे एक जैसा रेट नहीं होता है, तो आपकी जगह पे अलग रेट होगा, मेरे यहाँ अलग हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ये दो मैंने ऐड किए हैं एडेनियम और दो जरबेरा। एक मैं लेके आई हूँ हाइब्रिड चीकू, क्योंकि मुझे हाइब्रिड जो फ्रूट वाले जो प्लांट हैं, ये आप देखें, ये है मेरा चीकू का प्लांट जो हाइब्रिड हैं, जिसमें लग रहे थे लेकिन मेरे प्लांट में अभी नहीं लग रहे हैं। तो एक मैं चीकू का लेके आई हूँ, मैंने यहाँ सेट कर दिया तो मैं निकालना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपसे यही आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ इसके रूट बाहर हैं तो मिट्टी में लगा दिया है, इसलिए मैं नहीं निकाल सकती इसको, मैं यहीं से आपको दिखा देती हूँ। और ये है चीकू का। ऐसे करके मैं 5 प्लांट लेके आई हूँ और मेरे सभी प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं। अडेनियम तो मुझे पसंद था ही लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी, लेकिन फिर भी 2 मैंने ऐड किए हैं अपने गार्डन में। तो ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।